हेलो गाइस, तो आज आपके लिए जस्टर चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। पर अगर आपने जस्टर चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो प्लीज़ उसे भी देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगी। तो बिना देरी करते हुए लेट्स एक्सप्लेन दिस शॉर्ट हॉरर फिल्म। तो जेस्टर चैप्टर 1 की एंडिंग में हमने ये देखा था कि बैन जेस्टर का शिकार बन गया था, मतलब उसने बैन को गायब कर दिया था। अब चैप्टर 2 में हमें ये सब शुरुआत से दिखाया जाएगा, यानी कि जो चैप्टर 1 की शुरुआत है वो चैप्टर 3 की एंडिंग से ही कनेक्टेड है। तो चैप्टर 2 की शुरुआत में हम जेस्टर को दो लोगों के साथ देखते हैं। जेस्टर अपना मैजिक परफॉर्म कर रहा होता है। इनमें से एक जेस्टर की आंखों में झांकता है तो उसे घना काला अंधेरा दिखता है। ये आदमी थोड़ा सा डर जाता है, पर इसका दूसरा साथी जेस्टर को मैजिक ट्रिक्स दिखाने के लिए शुक्रिया कहता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। ये हेलोवीन की रात काफी लंबी होने वाली थी। यहीं पास की बेंच पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक कपल था। लड़की का नाम स्टेफनी और लड़के का नाम जॉर्ज था। लड़की दूर से ही जेस्टर को देख रही थी। स्टेफनी को वो कूल लगता है। जेस्टर भी अपनी डरावनी आंखों से इन दोनों को देख रहा था। जेस्टर दूर से ही स्टेफनी को अपने पास बुलाने का इशारा करता है। स्टेफनी जाने लगती है। जॉर्ज मना करता है, पर स्टेफनी को तो जेस्टर की मैजिक ट्रिक्स देखनी ही थी। जब स्टेफनी जेस्टर के पास आ जाती है तो जॉर्ज भी आ जाता है। जेस्टर स्टेफनी से हैंडशेक करता है, पर जब जॉर्ज हैंडशेक के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो जेस्टर अपनी छड़ी को उसके हाथ पर लटका देता है। इसके बाद जेस्टर अपनी वही चुटकी बजाकर कैंडी वाली ट्रिक दिखाता है और कैंडी को स्टेफनी को दे देता है। जेस्टर अब चला जाता है और इंतजार करने लगता है अपने अगले विक्टिम का। स्टेफनी ने वो कैंडी खाली थी। हालांकि जॉर्ज को ये अच्छा नहीं लगता कि स्टेफनी कैसे किसी स्ट्रेंजर की दी हुई कैंडी खा सकती है। खैर, स्टेफनी जेस्टर को आवाज़ लगाती है और कहती है कि उसे और एक मैजिक ट्रिक देखनी है। जेस्टर उसके बुलाने पर आ जाता है और एक रस्सी का टुकड़ा निकालकर जॉर्ज के हाथों में थमा देता है। पहले तो जेस्टर इस रस्सी के टुकड़े को बीच से काट देता है और फिर वापस से जोड़ देता है। ये ट्रिक देखकर स्टेफनी किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो जाती है। पर जॉर्ज, उसे जेस्टर सिर्फ एक अजनबी के अलावा कोई भी नहीं लग रहा था। उसे ये सिर्फ मामूली मैजिक ट्रिक्स लग रही थी। तभी जेस्टर जॉर्ज को डराता है और जॉर्ज को गिराता है। जॉर्ज देखता है कि उसके पाँव में रस्सी बंधी हुई है। जॉर्ज पैनिक हो जाता है और जेस्टर से वो रस्सी खुलवाता है। जॉर्ज जैसे ही स्टेफनी को लेकर जाने लगता है तभी जेस्टर जॉर्ज का हाथ पकड़ लेता है। जॉर्ज भी अपने आप को डिफेंस करते हुए जेस्टर का कोट पकड़ लेता है, पर जॉर्ज के हाथों सिर्फ जेस्टर का कोट आता है। जॉर्ज बुरी तरीके से घबरा जाता है। जेस्टर जॉर्ज को अपनी छड़ी से गिराता है और स्टेफनी को एक मास्क निकाल कर देता है। अब स्टेफनी ने वो मास्क पहन लिया था। वो अब जेस्टर के कंट्रोल में थी। जेस्टर जॉर्ज के ऊपर एक कपड़ा डालता है। जब जॉर्ज की आँख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। जेस्टर स्टेफनी से जॉर्ज के सर पर रखे पंपकिन पर चाकू से निशाना लगाने के लिए कहता है। बेचारा जॉर्ज स्टेफनी को ये सब बंद करने के लिए कहता है, पर स्टेफनी वो अपनी कॉन्शियस में नहीं थी। खैर, स्टेफनी उस चाकू से जॉर्ज के ऊपर रखे पंपकिन पर मारती है और चैप्टर 2 यहीं खत्म हो जाता है। चैप्टर 3 की शुरुआत होती है। हमें ये पता चलता है कि चाकू पंपकिन पर ही लगा था, यानी कि जॉर्ज बिल्कुल सही सलामत था। जैसे ही स्टेफनी वो मास्क निकालकर जॉर्ज के पास आ जाती है तो जॉर्ज स्टेफनी को इग्नोर करने लगता है, क्योंकि वो लगभग उसे मारने ही वाली थी। खैर, जेस्टर यहाँ से जाता है तो उसे एक लड़की मिलती है, क्लोई, जो अकेली थी और उसे कैंडी दिलाने वाला कोई भी नहीं था। जेस्टर अपनी कलाकारी से क्लोई का ध्यान खींचता है और उसके साथ जाने के लिए कहता है। इस बात से क्लोई खुश हो जाती है। जेस्टर क्लोई को बहुत सारी कैंडियाँ दिलाता है। तभी एक दूसरा लड़का आता है और क्लोई से उसकी कैंडीज छीन लेता है। पर जेस्टर वो इस लड़के को ऐसे नहीं जाने दे सकता था। वो एक मकड़ी इस लड़के को दिखाता है तो ये लड़का डरकर भाग जाता है। इसके बाद जेस्टर अगले हाउस में जाता है जहां बच्चों के लिए कैंडी नहीं थी। जेस्टर उसका दरवाजा खटखटाता है तो मकान मालिक गुस्से से झल्लाता हुआ बाहर आता है और कैंडी देने से मना कर देता है। साथ ही वो उसकी प्रॉपर्टी से निकलने के लिए भी कहता है, पर जेस्टर वो जाने से मना करता है। इस पर मकान मालिक अपना बेसबॉल बैट निकालता है और जेस्टर पर हमला कर देता है। जेस्टर अपनी छड़ी से उसके बेसबॉल बैट को दबा लेता है। वो मकान मालिक काफी कोशिश करता है पर बेसबॉल बैट को नहीं निकाल पाता। अचानक से जेस्टर अपनी छड़ी को हटाता है तो मकान मालिक के सर पर वो बेसबॉल बैट लग जाता है। उसके बाद जेस्टर इस आदमी को भी अपना मास्क पहना देता है। ये आदमी चीखने की और हिलने की काफी कोशिश करता है पर नहीं हिल पाता। जेस्टर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो क्लोई भी भाग गई थी, क्योंकि वो डर गई थी।
जेस्टर भी यहाँ से निकलता है और आ जाता है और यहाँ मिलता है उसे बैन, और यहीं पर ये शॉर्ट हॉरर फिल्म ख़त्म हो जाती है।